जय हिंद। तो चलिए आज का वीडियो में हम समझते हैं कि ठंडा के दिन में स्किन ड्राई क्यों हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ठंडी के दिन में होंठ फट जाते हैं, एड़ी फट जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए आज समझने का कोशिश करते हैं इसके पीछे पूरा साइंटिफिक रीज़न। इसको समझने के लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि मौसम में आखिर परिवर्तन कैसे होता है, मतलब वर्षा कैसे होता है, ठंडा कैसे होता है, गर्मी कैसे होता है। जैसे बहुत किसी को लगता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है इसीलिए मौसम में परिवर्तन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग का जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री बायां की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, और तल से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो जब चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी दायां साइड में आ जाती है, मतलब इस साइड में आ जाती है, तो सूर्य से दूर चली जाती है। और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका होने की वजह से जो रोशनी है, जो सूर्य का रोशनी है, वो 90 डिग्री पर पड़ती है। तो सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है जिससे कि सूर्य का प्रकाश में अधिक गर्मी होती है। और सूर्य में अधिक गर्मी होने के वजह से जो समुद्र का पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठने लगती है जिससे हवा में नमी हो जाती है, इसके वजह से शरीर में पूरा चिपचिपापन महसूस होता है। और इसीलिए देखिएगा ना, गर्मी के दिन में पूरा उमस टाइप का लगने लगता है, और ठंडी के दिन में जस्ट इसका उल्टा होता है। तो ठंडा के दिन में क्या होता है ना कि पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर लगाते लगाते इस साइड में आ जाता है, मतलब बायां साइड में आ जाता है, तो पृथ्वी सूरज के एकदम करीब आ जाता है। और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका होने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो एकदम तिरछी पड़ती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश में उतना पावर नहीं रहता है, मतलब उतना गर्मी नहीं होता है, जिसके वजह से जो समुद्र का जो पानी है वो भाप नहीं बन पाता है उतना, जिसके वजह से हवा में नमी नहीं होता है। और ठंडा के दिन में हवा में नमी नहीं होने के कारण हम लोग का जो शरीर है वो रूखापन लगने लगता है, और हम लोग का होंठ और एड़ी सब फटने लगता है, जबकि गर्मी के दिन में नमी होने के कारण हम लोग का शरीर कुछ नहीं होता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।